नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सांसदों को दी नसीहत, कहा संसद लोकतंत्र का मंदिर, पूजा गृह और इबादत गाह जैसा माहौल रखने की करी अपील। आज से वाराणसी के दौरे पर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। आगामी यूपी चुनाव के मद्देनजर माना जा रहा है ये योगी का अहम दौरा। वहीं आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अखिलेश यादव का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन से इनकार, कहा जो गठबंधन हो चुका उसके आगे अब किसी से गठबंधन नहीं होगा। 13 दिसंबर को 3 दिन के लिए काशी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, देश की सभी नदियों के जल से होगा अभिषेक। कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन नहीं हुआ खत्म, 29 नवंबर को किसान करेंगे दिल्ली कूच। जीएसटी दरों पर राज्यों के विभिन्न वित्त मंत्रियों की समिति की बैठक आज, टैक्स पेयर्स के विस्तार के लिए दरों में बदलाव पर होगी चर्चा, केंद्र और राज्य के अधिकारों पर भी होगी बातचीत। कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम, भीमबेर सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। 6 दिसंबर को भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, S-400 को लेकर भी होगी महत्वपूर्ण चर्चा। कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में मचा हड़कंप, कई देशों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाया, भारत में केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, कहा दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। और वहीं नुसरत भरूचा की फिल्म छोरी हुई रिलीज, अलग कॉन्सेप्ट और अच्छे स्क्रीन प्ले की वजह से लोगों को पसंद आ रही है फिल्म।